हाय सेजिटेरियस, धनु राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। ये नई रीडिंग जो है ये देखेंगे कि आप किन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, कि आप उन्हें मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ उन्हीं चीज़ों को लीजिए जो आपसे रेजोनेट करें, जो चीज़ें रेजोनेट ना करें उन्हें छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होंगी। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए। सेजिटेरियस धनु राशि, अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए। मुझे डिवाइन ना मून दिखा रहे हैं। मे बी आप लोग ना बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा आप गुस्से में आ जाते हो, चीज़ों को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हो। अपने हाथ में लेने का मतलब है कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, अपने हिसाब से चीज़ें चलाने की कोशिश करते हो। तो डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, प्लीज़ अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए, ठीक है। सेंटर्ड मैसेज आ रहा है मुझे कि अपनी एनर्जीज़ को सेंटर कीजिए, ठीक है। अपने अंतर्मन से जुड़िए, अपने मन को शांत कीजिए यहाँ पर ये सेजिटेरियस। ओके देखते हैं रेट से क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ब्यूटिफुल, टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ओह वाओ, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वांड्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक था लवर्स। हाँ हाई प्रिस्टेस, वेरी नाइस। आह यस एग्जैक्टली, मैंने यही मून देखा था। यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही मून था। तो आपकी इंट्यूशन पावर्स तो बहुत स्ट्रांग हो रही हैं इस समय, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हो इस समय, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर रहे हो इस समय, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। ओके राइट, अपने सीक्रेट्स अपने पास ही रख रहे हो यहाँ पर, ऐसी एनर्जीज में हो आप लोग। ग्रेट, बहुत ही सीक्रेटिव एनर्जीज आपकी आ रही है यहाँ पर सेजिटेरियस, और बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज आ रही हैं आपकी। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं इस समय आपकी। बहुत डिवाइन के साथ लो आपकी लगी हुई है, बहुत कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए आप जो है अपनी इंट्यूशन को बहुत अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं। और ये जो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा था ना, जो मैं आपको बता रही थी कि आपकी एनर्जीज़ जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो प्लीज़ बैलेंस कीजिए। जिन लोगों की एनर्जीज फ्लक्चुएट कर रही हैं, या आप लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हो, चीज़ों के बारे में ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करने लग जाते हो, प्लीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रांग हो रही हैं इस समय, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। बस आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है, डिवाइन के साथ वो लॉ लगाने की ज़रूरत है, आपको क्लैरिटी खुद ब खुद मिलेगी, ठीक है। और ट्रस्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट योर इंट्यूशन माय डियर। ओके जल्दबाजी में आपको इस समय कोई भी फैसला नहीं लेना है, जल्दबाजी में इस वक्त कोई भी डिसीज़न ना लें अपनी लाइफ में, ठीक है। एक बात तो फॉर श्योर है यहाँ पर सेजिटेरियस, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी इस समय आप कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, जो भी आपको करना है, डिसीजंस लेने हैं, जो भी कुछ है,
इंट्यूशन के बेसिस पर कीजिएगा, अपने प्रैक्टिकल माइंड को यूज़ मत कीजिएगा। इन केस अगर आप अपने प्रैक्टिकल माइंड को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ें इनबैलेंस हो सकती हैं, चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं आपकी। तो थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़िए, फॉलो योर इंट्यूशन ओनली, और अपने शातिर दिमाग को यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। एक ये जो है ना बहुत ही प्योर वाइब्स, इसी एनर्जीज में आपको रहना है। इसीलिए वो मून की जो एनर्जीज मुझे मिली थी, देख रहे हैं कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी यहाँ पर एनर्जीज हैं ये दोनों ही। यहाँ पर अगर हाई प्रीस्टेस है तो यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं। ओके, तो ये आपका इंट्यूशन है, तो ये आपका मन, माइंड, इंटेलेक्चुअल माइंड, एक शैतानी, इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं बोलूँगी, ये शैतानी दिमाग है, राइट। तो अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, ओके, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके इंट्यूशन के बेसिस पर अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाइए। इस वक्त में जो आपकी इंट्यूशन आपको बोले वही डिसीज़न लेना है, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, खासकर किसी को हार्म करने को लेकर के, कि या फिर किसी कोई ऐसी इंटेंशन से आपको डिसीजंस नहीं लेने हैं कि अरे मैं पहले अपने आप को तो बचाऊँ, या फिर मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे किसी की सिचुएशन में हाथ नहीं डालना है, काइंड मतलब एक होता है ना कि सेल्फिश एनर्जीज, एक चतुर काइंड ऑफ एनर्जीज, तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो जिसे कहते हैं ना कि इस लेडी का काम क्या है, दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को बैलेंस करके आगे बढ़ना, राइट। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, वही जो इंट्यूशन है ना, सही और गलत को बैलेंस कैसे कर पाएंगे, सही और गलत की जांच कहाँ से कर पाएंगे, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर। जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी इंट्यूशन हमें याद दिलाती है, हमारी इंट्यूशन हमें पिक कर टिंग करती है कि भाई कुछ गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। लेकिन अब हम उसकी नहीं माने तो फिर वो हमारी गलती है। तो वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि किन ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो माय डियर। तो सबसे पहले सजिटेरियस आपको ये बोलूँगी कि आपके बड़ों का, आपके पूर्वजों का बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिल रहा है, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन है, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है, ठीक है ना। और यस, कोई एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है अभी, वो पैसों को, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव हो सकते हैं उस न्यू बिगनिंग के थ्रू, ठीक है। आपको बेसिकली स्टेबिलिटी आपको यहाँ पर मिल सकती है, और ये खास करके मुझे ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके कुछ पुश्तैनी, जिसे कहते हैं ना कि इनहेरिटेज, आपको मिल सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके पार्टनर के पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ, चाहे वो प्रॉपर्टी हो सकती है, मनी हो सकती है, कोई प्रीशियस गिफ्ट हो सकता है, ओके, और या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा कीमती, जिसे हम कहते हैं कि उनकी, उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स, जो आपकी लाइफ में बहुत न्यू बिगनिंग लेकर के आने वाली है, जो आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ को लेकर के आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ अपने बड़ों का, जिसे कहते हैं, मान सम्मान कीजिए, उनकी, मैं कहूँगी उनकी पूरी रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मैं दिखाई दे मुझे दिखाई दे रहा है, बैलेंस आता हुआ आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो रहा है आप लोगों का। आप भी बहुत, जिसे कहते हैं, दिल से, शिद्दत से आप उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं मुझे यहाँ पर। अगर आप भी दिल से अगर उन्हें कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं ना सजिटेरियस, तो ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए भी यही मैसेज है, ठीक है। वाओ, ओके, और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है विद द टू ऑफ कप्स माय डियर, आप लोग यहाँ पर कोई प्यार का रिश्ता हो सकता है, या तो आपके किसी प्यार के रिश्ते में यहाँ पर कोई नई शुरुआत हो रही है, कोई ऑफ़र, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ये जो भी ब्लेसिंग्स है ना, ये किसी ऑफ़र के रूप में, किसी गिफ्ट के रूप में, किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में आपकी तरफ आ रही है, ओके। तो अपने आप को बैलेंस करके रखिए इस समय, यहाँ पर यही मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ऑनेस्ट रहिए, बी ऑनेस्ट, और बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है बना के रखना, सही और गलत में खासकर, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते रहना और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहना, ठीक है।
ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपके रिश्ते में, खास करके मैं यहाँ पर एक इक्वल गिव एंड टेक आते हुए यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, सामने से जो अदर पर्सन है वो गिविंग नहीं है, तो अब आप ये शिफ्ट देखने वाले हो। अगर आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे तो अब वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। अब आपको वो जो अपनी चीज़ें हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं करते थे, वो आपको जिसे कहते हैं जो आप चाहते हो ना, वो आपको वो मिलेगा। ये वो एनर्जीज मुझे मिल रही है, मुझे बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। और स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, मैरिज, मैरिज यहाँ पर हो सकती है। और यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, एंड नाइट ऑफ कप्स। मुझे बेबी बॉर्न यहाँ पर, कंसीव होना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो लोग यहाँ पर सिंगल हैं, फॉर श्योर यहाँ पर मिंगल हो रहे हैं। जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, उनका रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और आप किसी न्यू पर्सन, नए मेहमान की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, ठीक है। आप कंसीव कर सकते हैं, बहुत ही ब्लेसिंग्स का समय है इस समय, अट्रैक्ट आप कर रहे हैं। मे बी आप ऑलरेडी कंसीव्ड हो, मतलब कंसीव किया हुआ है आपने, ओके। ऐसी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर मिल रही है। और कोई अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए ना कोई बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। मे बी अगर आप लोग सिंगल हैं, मे बी कोई अदर कंट्री से आपके लिए या तो शादी का कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर कोई करियर की लेकर के कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, ओके। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही बता रही है। और यहाँ पर ये जो सेवन ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज है ना, ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इसको आप अभी हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो सेजिटेरियस, जिस भी सिचुएशन में आप लोग अभी स्टम्प्ड हो, सेवन ऑफ वॉन्ट्स मुझे यही एनर्जीज दे रहा है। आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप जो भी चीज़ें, जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में इस समय आ रहे हैं ना, आपका वे सही नहीं है उनको डील करने का, आपका तरीका सही नहीं है उनको डील करने का। मे बी जो मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया है ना, वो ही अप्लाई हो वहाँ पर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ, ठीक है, एक चतुराई दिखाना या फिर डिसहोनेस्टी दिखाना कुछ चीज़ों में, ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो प्लीज़ बी ऑनेस्ट। अगर आप अपना हैंडल करने का तरीका अगर आप बदल देते हैं, तो चीज़ें आप देखेंगे एक एक करके आपकी लाइफ में सॉर्ट होती जाएंगी। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ के इस एस्पेक्ट में भी चैलेंज आ रहा है, उधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, तो अपनी इंटेंशंस को चेक कीजिए माय डियर, पहले तो, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको सबसे पहले मैसेज दिया है, आप दोबारा से सुन सकते हैं, तो आप उसमें बदलाव आते हुए देखेंगे, चीज़ें सॉर्ट होती हुई देखेंगे, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस समय, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सैजिटेरियस, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू मकाली, थैंक यू गुरुजी। थंडरबोल्ट, ओके ओके माय डियर। फूल, प्लेफुलनेस, ओके, कॉम्प्रोमाइज की एनर्जीज इस समय फॉर श्योर। आप लोग सेजिटेरियस चैलेंजेस को, कन्फ्यूजन्स को, इल्यूजन्स को फेस कर रहे हो, ठीक है। थंडरबोल्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिखा रही हैं, एनर्जीज बहुत स्कैटर्ड हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, या फिर आपको बहुत कुछ चल रहा है, ये इंटरनली भी हो सकता है, ठीक है। आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल, यहाँ पर जो मैं न्यू बिगनिंग की बात कर रही थी, फूल की एनर्जीज़, लेकिन वो थंडरबोल्ट के बाद ही है, मतलब टावर की एनर्जीज़ के बाद ही है। ये आपको बेसिकली यहाँ पर ना, मैं एक न्यू सेजिटेरियस देख रही हूँ। मे बी आप पहले चीज़ों को बहुत ही एक अलग तरीके से डील करते थे, चाहे वो आपके रिश्ते थे, चाहे वो आपके फाइनेंसेस थे, चाहे वो आपका वर्क एरिया था, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ आप इस सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल करने लग गए, एक इन ऑनेस्ट वे,
ठीक है, बैलेंस्ड एनर्जीज में आकर के, गिविंग एनर्जीज में आकर के, एक रिस्पेक्टफुल एनर्जीज में आकर के, वहीं आपके लिए मैं यहाँ पर न्यू बिगनिंग देख रही हूँ। तो आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ये जो भी शिफ्ट है, ये जो भी चेंज है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। सबसे पहले तो इसे एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्टेंस में अगर नहीं आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो पाएगा, राइट? लेकिन यस, आपके साथ जिसे कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ होना, यहाँ पर आपकी ईगो को क्रश करना, आपके प्राइड को क्रश करना, या फिर जो भी आपकी चीज़ें, गुस्सा हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, नफ़रत हो सकती है, उन चीज़ों को क्रश किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड में अगर आप देखोगे ना, तो ये जो बैकग्राउंड में जो फिगर है, ये लॉर्ड बुद्धा की फिगर है, कि आपके अंदर एक शांति का भाव आना। एग्जैक्टली ये वही सिचुएशन है कि इस एनर्जी से इस एनर्जीज में ट्रांसम्यूट करना। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे ही आप इस एनर्जीज में ट्रांसम्यूट हो जाओगे, आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एक न्यू बिगनिंग है। क्योंकि यहाँ पर ये जो फूल का कार्ड है ना, ये न्यू बिगनिंग क्या दिखाता है, ईश्वर भी उन्हीं को ब्लेस करते हैं, उन्हीं के साथ होते हैं, उन्हीं को आगे रास्ता दिखाते हैं, उन्हीं को कठिनाइयों से निकालते हैं जो उन पर विश्वास करते हैं। और अगर आप उन पर विश्वास कर रहे हैं तो वहाँ माइंड का तो कोई काम ही नहीं है। अगर आप दिमाग से उन पर विश्वास करने जाओगे तो आप कभी जीवन में नहीं करोगे। सबसे पहले तो आप कहोगे ईश्वर को दिखा दो, यूनिवर्स कहाँ है, हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। दिमाग तो यही बोलता है, दिखाओगे तो मानेंगे। तो ये एक दिल की, ये आपकी एक खुद की परसेप्शन होती है, ये आपका खुद का इंट्यूशन होती है, आपका खुद का विश्वास होता है, आपकी खुद की अंतरात्मा होती है जो जानती है कि भाई हाँ, ईश्वर है, यूनिवर्स है, डिवाइन है, कोई ऊर्जा है जो हमारी मदद कर रही है, कुछ तो है जिसने इस धरती को बनाया है, जिसने हमें बनाया है, ठीक है, जो इस सृष्टि को चला रही है। तो जिसे कहते हैं ना कि एक फूल की एनर्जीज में, एक ऑनेस्ट, एक इनोसेंस एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, एक प्योर एंड ट्रुथफुल एनर्जीज में आपको यहाँ पर टैप इन करने के लिए बोला जा रहा है। थंडरबोल्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर यही बता रही है कि ये जो भी शिफ्ट है ना, ये जो भी ब्लेसिंग है आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ है जो आपके अंदर है, उन सभी चीज़ों को पहले तोड़ेगा, देन वो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर आएंगी। प्लेफुलनेस की एनर्जीज देख रहे हो कि इस ये फूल और प्लेफुल की एनर्जीज की इस पर्सन को ना ईश्वर पर जिसे कहते हैं कि अंधा विश्वास है, ठीक है, कि वो उसके साथ है, वो उसके ईश्वर के, डिवाइन के प्यार में मग्न है, और उसे पता है कि उसकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, डिवाइन उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसका हार्म नहीं होगा कुछ भी। और अगर उसकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ चीज़ें अगर बदलाव में आ रही हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो वो उसको सही पाथ पर लाने के लिए बेसिकली हो रहे हैं। तो एक उस एनर्जीज में आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है। फॉर श्योर इस समय का वक्त जो है बहुत ही कॉम्प्रोमाइज एनर्जीज आ रही है, ठीक है, आप कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। मॉरेलिटी का भी कार्ड यहाँ पर है, तो यस, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपकी लाइफ में आप इस समय कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मिल रही है, कुछ अहम, प्राइड, ईगो, ईर्ष्या की भावना, इन सभी चीज़ों को जैसे ब्रेक किया जा रहा है, आपको प्योरिटी की तरफ, इनोसेंस की तरफ दोबारा से लेकर जाया जा रहा है, तभी आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग्स आएंगी। इन चैलेंजेस को आपको ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डील करना है माय डियर, ईश्वर पर विश्वास करके। यहाँ पर अगर इंटेलेक्चुअल या फिर प्रैक्टिकल माइंडसेट को यूज़ करने वाले, प्लीज़ गाइस बच्चों की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, प्रैक्टिकल माइंड को अगर आप यूज़ करेंगे तो गड़बड़ा सकती है चीज़ें, ठीक है। तो प्लीज़ आध्यात्मिकता को यहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी को अपनाने के लिए बोला जा रहा है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोला जा रहा है, और ट्रुथ के साथ, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। एक लविंग एंड गिविंग एनर्जीज में आपको आने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है सजिटेरियस। और देख लेते हैं लास्ट मैसेजेस आपके लिए क्या है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। चेंज योर फोकस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ आपको, रीबिल्ड। देख रहे हैं अगेन टावर की एनर्जीज, अगेन टावर, ठीक है। ओपन योर हार्ट, यहाँ ना मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों का ना हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है भाई,
ठीक है, एक लविंग केयरिंग एनर्जीज, एक जिसे कहते हैं वो मिसिंग है आपके बेसिकली हार्ट चक्रा को, यहाँ पर आप भी हील किया जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, सारी ब्लॉकेजेस रिमूव की जा रही हैं वहाँ से। रिफ्यूजिंग टू सी, यस, आप देखना ही नहीं चाहते। अभी भी कितने लोग तो ऐसे ही होंगे कि आप जो है मना ही कर रहे हैं कि ये मेरी एनर्जीज नहीं होंगी, नहीं 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 मैं ऐसा तो हुई नहीं, या मैं ऐसी तो हुई ही नहीं। पहले तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर आप देखना ही नहीं चाहोगे तो चीज़ें दिखेंगी नहीं फिर आपको, फिर आप जहाँ हो जैसे हो वहीं स्टक रहोगे। तो ये तो ऊर्जा आनी ज़रूरी है, ओके, ये बहुत ही प्योर एनर्जीज हैं। आपको अपने फोकस को चेंज करना है, जैसा आप पहले डील कर रहे थे ना उस तरीके से डील नहीं करना आपको माय डियर सजिटेरियस, ओके। तो प्लीज़ ओपन योर आईज, ओपन योर इंट्यूशन, ठीक है, सॉरी, फॉलो योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है। यहाँ पर भी अगर कन्फ्यूजन्स है ना, ये टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। अगर आप अपनी आँखों से नहीं देख रहे हो ना, अपनी थर्ड आई को फॉलो कीजिए, यहाँ पर देख रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए सजिटेरियस, दिमाग को मत चलाइए। इंट्यूटिवली आप जानते हो किस तरीके से हैंडल करना है, मैं क्या कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आपके लिए इतने करेक्ट और इतने अलाइंड मैसेजेस आ रहे हैं बार बार, तो वो यूं ही नहीं आ रहे हैं। तो प्लीज़ जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना माय डियर सजिटेरियस, आप बहुत प्यारे हैं, बस आपको ईश्वर की, डिवाइन के इन गाइडेंस को फॉलो करना है, तो अपनी लाइफ में इन मैजिकल मैं कहूँगी पोर्टल्स को ओपन करने के लिए, ठीक है, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ तो आ रही हैं, पर थोड़ा सा काम आपको भी अपने ऊपर करने की ज़रूरत है। आप एक मैनिफेस्टर हो, आपको नहीं पता कि आप कितनी सक्सेस एंड ग्रोथ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, ओके, यस। जो चीज़ हो चुकी ना सैजिटेरियस, अगर किसी चीज़ का दुख है, किसी चीज़ का भार है आपके अंदर, रिलीज़ कीजिए उसे, उस पर फोकस नहीं करना है आपको। कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में, ख़त्म हो रहा है, फोकस हटाइए, पॉजिटिविटी की तरफ, सक्सेस की तरफ आगे बढ़िए, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, तो नहीं है आप अकेले, डिवाइन आपके साथ है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपकी इंट्यूशन, आपकी इनर सेल्फ आपके साथ है, आपकी हायर सेल्फ आपके साथ है। कन्फ्रंट कीजिए इस समय अपने शेडो सेल्फ को, ठीक है, फेस टू फेस। अब बचने का टाइम नहीं है, ब्लेसिंग्स की बात थी तो आएगी ही ऐसे, आई एम सो सॉरी, ये तो रीडिंग देनी ही थी जिसके लिए भी है, पर ये आपके लिए एक्चुअल में ब्लेसिंग्स हैं कि आपको यहाँ से गाइडेंस मिल पा रही है, क्योंकि आप में से मुझे पता है कि बहुत लोग इस पर काम करने वाले हैं आप, ओके। अगेन यहाँ पर मून, मून बहुत स्पेसिफिक है, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई है, ओके, ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड लव आपको, ठीक है। एंड यस, अगर आपसे ये रीडिंग जो है रेजोनेट हुई है सजिटेरियस, और आपको यहाँ से गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सबसे पहले मैं कहूँगी कि डिवाइन को थैंक यू बोलिए, अपना ग्रैटिट्यूड पे कीजिए उन्हें, और यस, अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है ना, तो उनको भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए, ये बहुत ज़रूरी है माय डियर, एक अच्छा काम ज़रूर कीजिए, ओके। और ये सभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।